पिछले पाठ में हमने दो अंकों वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से भाग करने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ धारणाएं देखें। एक दिन बड़बोले चाचा और कुछ लोग मिलकर नदी पर मछली पकड़ने जाने वाले थे। वे कुल 14 लोग हैं और उनके पास दो नाव हैं। चाचा ने गोलू से पूछा कि हर नाव में कितने लोग जा सकते हैं। गोलू समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गोलू को इसका उत्तर ढूंढने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा? बिल्कुल ठीक, गोलू को यहाँ भाग डिविजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। जब भी हमें वस्तुओं को लोगों में बराबर बांटना हो या समान समूह बनाने हो, तब हम भाग डिविजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। गोलू ने इस तरह से भाग डिविजन का इस्तेमाल कर पता लगाया कि हर नाव में 7 लोग जा सकते हैं। अब सभी लोग नदी किनारे मछली पकड़ने पहुंच गए। बब्बन ने 15 मछलियां पकड़ी। अब बब्बन सोच रहा है कि वो उन 15 मछलियों को उसके 15 दोस्तों में बराबर बांटेगा। उसने झट से ये पता लगाने के लिए कि हर दोस्त को कितनी मछलियां देनी होंगी, इस तरह से एक कागज पर ये भाग लिख दिया। बच्चों, क्या बब्बन ने इसे सही तरह से लिखा है? जी हाँ, बब्बन ने इसे गलत लिखा है। जब भी हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग डिवाइड करें तो उत्तर हमेशा 1 होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को एक एक वस्तु मिलेगी। सभी दोस्तों ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी और खुशी खुशी अपने नाव में सवार होकर अपने घर चले गए। बच्चों, इस पाठ में हमने भाग करने से संबंधित कुछ धारणाएं देखी।